पहले हिमांशी से पूछता हूँ, हिमांशी आपको कैसी लगी? कट गया। कट गया। अनुराग भाई? ओके ओके थी, ऐसी भी कुछ खास नहीं थी। जो डायरेक्टर का कहना था, जो प्रोड्यूसर का मानना था कि वॉयलेंस दिखाएंगे, उस लेवल का वॉयलेंस दिखाया गया है। कबीर सिंह का थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन था। मतलब वो दिखाई दी, वो एनर्जी रणबीर कपूर में वो दिखी। डायरेक्शन में सबसे अच्छी चीज ये रही ना कि कहीं पे फिल्म को रिवील नहीं किया गया कि हाँ यहाँ से फिल्म छोड़ के चली जाएगी आपका साथ। फादर के लिए जो प्यार होता है बेटे के अंदर वो दिखाया गया, लेकिन वो इतना ज्यादा कि उसने उसके आगे सब कुछ खत्म कर दिया। ना रिलेशनशिप दिखाया गया कि मतलब अगर उसकी वाइफ ने भी कुछ बोला तो उसका गला पकड़ के। ऐसे स्पॉइलर देने नहीं चाहिए, लोगों को अभी देखना है। तो भाई एनिमल हमने देख लिया। अगर अंबानी का लौंडा वायलेंस पे आ जाए, यानी कि कोई सा भी लौंडा ले लो और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के वो वायलेंस पे उतर आए, तो लगभग रणबीर कपूर वही है इस फिल्म के अंदर। मैं हूं असद, मेरे साथ हिमांशी, अनुराग भाई। पहले हिमांशी से पूछता हूं, हिमांशी आपको कैसी लगी? कट गया। कट गया। अनुराग भाई? ओके ओके थी, ऐसी भी कुछ खास नहीं दिखी मुझे। देखो मैं बोल सकता था मेरे पैसे बर्बाद, लेकिन मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए क्योंकि पैसे अनुराग भाई ने दिए थे, तो मैं नहीं बोलूंगा मेरे पैसे बर्बाद हुए। मेरे बहुत ज्यादा हो गए। नहीं मतलब मेरे लिए फिल्म बनाई ही नहीं गई थी कि आप 90mm पे रिलीज करें। आपने फिल्म बनाई ही नहीं थी थिएटर के हिसाब से, आपने फिल्म में दिखाया। मेरे लिए फिल्म भाई कुछ चीजें कमी, बट इट वॉज एन एब्सोल्यूट ग्रेट फिल्म टू वॉच। आप मतलब एक्शन के नाम पर दिखाया, मेरे हिसाब से प्रॉपर था, सब कुछ था जितना आप मांग सकते थे ना। मतलब एक्सपेक्ट, मैंने बहुत सारी एक्शन वाली फिल्म देखी बट उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। यहाँ पे एक्शन इतना ज्यादा दिया। एक्शन क्यों आया? मतलब रिलेशनशिप से आया, और वो रिलेशनशिप भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। नहीं, वो ठीक है, बट एक्शन के हिसाब से फिल्म पूरी थी। आपने ओटीटी के हिसाब से फिल्म बनाई है, आपने नहीं बनाई है क्योंकि ओटीटी के हिसाब से आपने बनाई, लेकिन आपने ये भी देखो ना कि कितनी ज्यादा ड्यूरेशन खींच गई फिल्म, कितनी ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने बनाई नहीं ना उस हिसाब से। एक चीज ये भी रही कि जो डायरेक्टर का कहना था, जो प्रोड्यूसर का मानना था कि वॉयलेंस दिखाएंगे, उस लेवल का वॉयलेंस दिखाया गया है मूवी में। केजीएफ को, डोमिनेट किया है मूवी में। केजीएफ को या मिर्जापुर में आप देखेंगे, जब अमेज़न पे जब आप जाएंगे मिर्जापुर देखेंगे आप, तो उसमें पूरा ब्लड शेड दिखाया जाता है, क्लियर दिखाया जाता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट वो मोमेंट्स थे। स्पॉइलर आ जाएंगे। एक चीज मेरे ध्यान में और आई कि कबीर सिंह का थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन था। मतलब वो दिखाई दी, वो एनर्जी और रणबीर कपूर में वो दिखी। और कास्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रणबीर कपूर को आप लोग कैसे देख रहे हैं? रणबीर कपूर कितनी छाप छोड़ पाए अगर कास्ट की बात करें? मेरे लिए तो एक्सेलेंट थी उसकी एक्टिंग, गजब की। बॉबी का पता था, बॉबी का हमने देख लिया था पहले भी, कहीं ना कहीं रोल आश्रम में देखा भी है। कम दिया गया। हाँ, बहुत ज्यादा कम दिया। उसको दिखा सकते थे और बड़ा कर, जिस तरीके का विलन उसको बनाया, पोर्ट्रे किया गया, उस तरीके का विलन नहीं दिखाया गया जरा सा। रणबीर कपूर की एक्टिंग तो बहुत अच्छी लगी, मतलब हर रोल पे वो परफेक्टली फिट हो रहे थे। लेकिन बॉबी देओल को ना, मेरा ऐसा मानना है कि सेकंड हाफ में ना पूरा पार्ट बॉबी देओल ही होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रोल बहुत छोटा सा रह गया। मेन विलन के बावजूद वो बहुत छोटा रोल था, वो भी एंडिंग में के 35 मिनट वो भी उसको नहीं दिखाया, 15-20 मिनट बट अगर आप बात करेंगे डायरेक्शन की, तो सबसे अच्छी चीज है सस्पेंस को पूरी फिल्म में मरने नहीं दिया गया। आप अगर इस फिल्म को प्लेन करके दिखाते तब भी एक स्ट्रीमलाइन फिल्म हो सकती थी, बट जैसे शुरुआत होती है वो एक मतलब प्लॉट सेट करने का तरीके पे बाद में आएंगे, बट जो डायरेक्शन है कहीं ना कहीं बहुत शानदार। स्टार्टिंग में ये लगा कि डेंजरस चल रही, पहले कुछ फिर कुछ, लेकिन बिल्कुल ये अच्छा था कि इंटरेस्ट बना रहा पूरी फिल्म में, पूरी फिल्म में कंटिन्यू इंटरेस्ट बना रहा कि अब आगे क्या होगा। ये इंटरेस्ट डायरेक्शन में सबसे अच्छी चीज ये रही ना कि कहीं पे फिल्म को रिवील नहीं किया गया कि हाँ यहाँ से फिल्म छोड़ के चली जाएगी आपका साथ। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन में 10 out of 8, 9 कह सकते हैं बल्कि, क्योंकि मुझे कहीं पे फिल्म ने ब्रेक नहीं किया। बट हाँ, जो मैं एक कह रहा हूँ कमी, वो ये थी कि कुछ सीन्स को ज्यादा खींचा गया। आपने वहां पे शायद ये जहन में रखे कि नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म जाने वाली है, स्ट्रीमिंग पार्टनर मेरा नेटफ्लिक्स है, तो मैं 3 घंटे 21 मिनट शायद ये भी सोच के बनाया हो कि मैं इसे वेब सीरीज की तरह बना। हाँ, वही या इसीलिए इसको लंबा खींचा। अब थिएटर में लाना था तो उसे कितना शॉर्ट कर सकते थे उतना किया गया है। तो किया गया है 3 घंटे 49 मिनट की, नहीं 49 का ओरिजिनल वर्जन है, लेकिन उसको 21 मिनट तक कर दिया गया है। संदीप रेड्डी वेंगा की अगर मैं बात करूं तो राइटिंग भी इनकी खुद की थी, डायरेक्शन भी इनका खुद का था, तो आप कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन जो लाना चाहते थे वो दिखाया। राइटिंग वॉज ग्रेट टू मी,
क्योंकि आज के टाइम पे जो फिल्म आ रही है वो नहीं आ रही, पहले आया करती 3 घंटे की फिल्म, बट आपके पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने भी कह दी थी कि यार फिल्म को 6 शो मत दो, 4 दो, तो वो 4 जस्टिफाई लगे आपको? हाँ, मेरे हिसाब से देखिए, जिस 3 घंटे 21 मिनट की मूवी है, आदमी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और जितना वॉयलेंस दिखाया भाई, बहुत ज्यादा मतलब वॉयलेंस दिखाया, अंदर ऐसा लग गया था मतलब माहौल ही बदल रहा है, और मतलब दूसरी चीज एकदम सन्नाटा, और भाई हो क्या रहा है, एक के बाद ऐसा ऐसा सीन आ रहा है एक्शन वाला, मुझे लगा था कि फिल्म में कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके पास 90 mm में, कि भाई इतना ब्लड नहीं दिखा सकते, खाद होती है और यहाँ सारी हदें पार करती हैं, मतलब एकदम से जो रणबीर कपूर आते हैं ना वो वाली गाड़ी में जिसमें पूरी गंजी गंज बुलेट्स होती हैं, हाँ। वो वाला सीन तो ना बहुत ऑसम लगा मुझे, तो मतलब मस्ट वॉच सीन है वो। इसमें एक चीज ये भी अच्छी रही कि एंड में उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया मतलब यही स्टोरी कंटिन्यू होगी, हाँ, इसी मतलब राइटिंग की हाँ, तो बहुत ना कि बाहुबली जैसा नहीं, बाहुबली जैसा नहीं रहा, केजीएफ जैसा सस्पेंस छोड़ दिया, मतलब ऐसा लगा था कि मूवी ओवर हो गई है और सब उठकर जा रहे थे, लेकिन नहीं, अभी मूवी बाकी है, और बहुत अच्छा मतलब जो एक शुरू में थॉट प्रोसेस दिखाया था वो पूरी फिल्म में कंटिन्यू रहा है कि हम एक्शन पे कंटिन्यू रखेंगे। अब अगर बात करें प्लॉट की, तो प्लॉट इस तरीके से चलता है कि एक आप ट्रेलर देख के आधा प्लॉट आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा, बट मैं थोड़ा सा एक्सटेंड वर्जन आपको उसका बता देता हूँ। तो प्लॉट सेट करने में टाइम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, एक फादर और सन की टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है जिसको स्टार्टिंग में बिल्ड किया जाता है, और वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप में टॉक्सिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फादर लव, फादर के लिए जो प्यार होता है बेटे के अंदर वो दिखाया गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा कि उसने उसके आगे सब कुछ ख़त्म कर दिया, और ही वॉज रेडी टू बर्न होल वर्ल्ड फॉर हिज फादर, इट वॉज लाइक दैट, एंड देन शिफ्ट होती है स्टोरी वापस, मतलब हिस्ट्री पे चले जाए, दोनों का रिलेशनशिप, इतना रिलेशनशिप दिखाया गया कि मतलब अगर उसकी वाइफ ने भी कुछ बोला तो उसका गला पकड़ लिया, जैसे रश्मिका ने खिलाफ बोला तो वो ट्रेलर में जैसे हमने देखा ना कि जिस तरीके से अगेंस्ट चले जाते हैं वो, तो ऐसे स्पॉइलर देने नहीं चाहिए लोगों को, अभी देखना है तो लोगों को अभी देखना है उनको, देख उनका वो ट्रेलर में भी हमने दिखा दिया तो ठीक है, मतलब अपनी वाइफ के भी अगेंस्ट, तो कुल मिला के फिर कुल मिला के आपने थोड़ा सा रिवील तो कर ही दिया है, बट कोई नहीं, मूवी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं, हाँ, लेकिन वन टाइम वॉच मेरे लिए वन टाइम वॉच थी, ओके ओके, क्योंकि वॉयलेंस के अलावा नहीं जो कुछ नहीं है, और जो स्टार्टिंग में खींचने एक लेवल से थोड़ा सा ज्यादा पुश करके खींच दिया कि हम उस वक्त सोचने लगे थे कि अब मूवी स्टार्ट हो जानी चाहिए, या फिर अब बन चुकी है भूमिका। अगर मैं कास्टिंग में बात करूं तो रश्मिका मंदाना का रोल कुछ मुझे जस्टिफाई नहीं लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने एक तो वही ना होता हमारे इंडियन मेंटालिटी की सोच के वुमेन को थोड़ा सा दबा के दिखाओ, वहां पे वो चीज अगेन फिर वही दिखाई गई कि एक तो डायलॉग उनका पहला डायलॉग में एक छोटा सीन है उसको हटा देंगे तो हम करीब करीब आधा घंटा लग गया पहला डायलॉग आने के लिए, जबकि रणबीर कपूर फ्रॉम द फर्स्ट सीन, अदरवाइज मतलब लग ही रहा था रोल है, और जितना भी रोल मुझे लगा वो सारा थोड़ा दबा हुआ रोल था काफी हद तक, और फिर मतलब मेल डोमिनेंट थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा दिखाया गया, हाँ, इवन द डायलॉग्स, और इवन रणबीर कपूर बॉबी देओल की साइड से भी थोड़ा सा मेल प्रॉपर मेल डोमिनेंट थोड़ा थोड़ी दिखाया गया, मतलब कि क्या बोले आप, पूरी मूवी रिवील करना पड़ जाएगा इसके लिए, इनको स्पॉइलर देने की आदत, इनसे कंट्रोल नहीं होता थोड़ा सा, खैर देन प्लॉट शिफ्ट होता है जो रिलेशनशिप से एक फैमिली बैकग्राउंड पे, और देन फैमिली बैकग्राउंड से फिर वो लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने ट्रेलर में देखा होगा ना रणबीर कपूर आते हैं बोलते हैं जिसने भी बलबीर सिंह पर गोली चलाई उसका गला मैं अपने हाथ से काटूंगा, तो वो वाला सीन शुरू हो जाता है, और उसी के बीच से पूरी फिल्म रिवॉल्व करती है। कुल मिला के आप कहेंगे कि एक रिच फैमिली का फैमिली ड्रामा आप लोग देखने जाएंगे, जिसके अंदर सीरीज जैसा वॉयलेंस देखने को मिलेगा, वॉयलेंस की कोई बीच में पुलिस वुलिस कोई नहीं आ रही। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सेंसिटिव चीजों से इशू हो जाए तो मत जाइएगा दोस्त, हार्ट अटैक आ जाएगा, सच में बहुत ऐसे सीन है ना, इतने वॉयलेंस वाले सीन है ना, मतलब हर 10 मिनट या 5 मिनट रूथलेस वॉयलेंस है इस मूवी में, एक के बाद एक सीन आ रहा है, एक के बाद एक सीन आ रहा है, वहाँ पे किसी का कुछ आई वॉन्ट एक्सप्लेन इट। अब हम बात करेंगे म्यूजिक की, तो म्यूजिक वॉज आउटस्टैंडिंग टू मी, कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग म्यूजिक, आप बात करेंगे ठीक है, ये पंजाबी है तो इनको थोड़े से बीपराक आ गए, बट उस गाने में उस गाने को मैंने मूवी जाने के पहले पहले बजे तक गाना सुनना देखो, मैंने उस गाने की एक एक वर्ड मूवी जाने से पहले फील किया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो में फील किया, ना कि सिर्फ जो है ऑडियो, मैंने फील किया, और उस
सीन में प्रीतम का काम बहुत शानदार रहा, और पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो सीन को जिन हिसाब से जस्टिफाई किया गया, हर सीन में म्यूजिक को बहुत प्यारे तरीके से डाला गया, एक होता है ना एनहांस करना होता है सीन को, म्यूजिक का काम तो बखूबी किया सीन, जैसे सेट किए गए हैं वो भी बहुत शानदार। एक हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं केजीएफ में कुछ नहीं था, बट जो म्यूजिक आता था केजीएफ के अंदर, एग्जैक्टली सिर्फ म्यूजिक ने पूरा माहौल बना के रखा, जो एक वक्त तक सेकंड पार्ट के लिए लोगों को इंतजार कराया उसी म्यूजिक की वजह से। उस म्यूजिक के लोग पागल थे, लोगों की रिंगटोन होती थी, तो वैसा ही कुछ माहौल था इसका भी, बहुत खराब है, इसलिए मैं जस्ट बता रहा हूँ, समझ जाओ कौन से म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो हमने कास्टिंग की बात कर ली, कास्टिंग वाज अ परफेक्ट, किसी का रोल ऐसा नहीं लगा मुझे कि किसी ने एक्टिंग दबाई हो, सिर्फ एक रश्मिका मंदाना का रोल दबाया गया, वरना एक्टिंग उनकी भी ठीक है, डर के वो एक्टिंग वाज गुड, लेकिन वही थोड़ा सा डर के या थोड़ा ज्यादा नहीं बोलने दिया, मतलब मुझे ऐसा लगा क्योंकि रणबीर कपूर उनको डोमिनेट कर रहे थे एक तरह से, वो दिखाया गया उनके, मतलब वो दिखाया एक विलेन का, एक विलेन के तरीके से दिखाया गया, अगर एक रणबीर को, रणबीर वैसा दिखा भी नेगेटिव कैरेक्टर के साथ जो होनी होती है नॉर्मल सी चीजें में, नॉर्मल सी चीजें दिखेगी। डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन वॉज परफेक्ट सिवाय दो चीज़ों के, पहली चीज़ तो कुछ सीन्स को ज़्यादा लंबा खींचा गया, जैसे स्टार्टिंग के कुछ सीन्स हैं प्लॉट बिल्ड कर रहे थे आपका, हम जो चीज़ हमें ट्रेलर में देख के समझ में आ गई थी, आपने उस चीज़ को हमें दोबारा समझाने में आधा घंटा ले लिया, हमारा बहुत लंबा टाइम खींचा, वो आधा घंटा स्टार्टिंग का जो लिया गया, स्टार्टिंग आधा घंटा, उस आधे घंटे में हमारे लिए जो हमने सोच के एक्शन के लिए गया था वो आधा घंटा हमारा एक्शन वेस्ट गया है। और वो एक्चुअल मूवी आधे घंटे बाद स्टार्ट होती है, वहां से इंटरवल तक बहुत अच्छी मूवी चली जाती है, फर्स्ट हाफ अच्छा, अब मूवी शुरू हुई थी, फर्स्ट हाफ वहां से दबा दिया गया, तो कुल मिला के वो एक चीज थी, अदरवाइज डायरेक्शन वॉज ग्रेट, क्योंकि सीन को जिस हिसाब से प्लेस किया गया, जो हिसाब से रखा गया, ऑल वॉज गुड, एंड कास्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, म्यूजिक वॉज आउटस्टैंडिंग, और फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के मूवी को अगर देखा जाए तो वन टाइम वॉच आपका रहा, मेरा भी वन टाइम वॉच, मतलब ना मुझे होता ना कि पुराने जमाने में होता था कि लड़ाई होती थी थोड़े से वो जाती थी, फैमिली ड्रामा होता था तो सब मान जाते थे, लेकिन इसमें तो इतना अच्छा ट्विस्ट देखने को मिला है, वो ट्विस्ट लेकिन मेरे को थोड़ा सा लास्ट का, जब बॉबी के पास जाता है, ठीक है, बॉबी के पास जाने के बाद जब इसको स्टोरी पता चलती है उसके जो भी, ठीक है, वहां पे जो इमोशन दिखाने की कोशिश की गई वो उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं हो पाया। हाँ, मतलब मेरे और उसको था कि पहले भी थोड़ा सा रिवील कर रहा हूँ, बट ठीक है, मतलब इतना भी नहीं, ऐसा था कि राजीनामा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, जो इमोशन दिखाने, देखो लड़ाई हुई वो सबको पता कि इन दोनों की लड़ाई हुई, तो मैं ये बोल रही हूँ नहीं पता किसी को क्योंकि कितनी लड़ाई, देखो लड़ाई होनी बेसिक है, बट इतनी नहीं हो कि आगे जाके, देखो आप फिल्म देखो, बाकी स्टोरी लाइन ठीक ठाक चलेगी, आपको लगेगा कि आप फिल्म से बंधे हुए हैं, तो आप स्टोरी लाइन के ऊपर नहीं कहेंगे कुछ भी, आप स्क्रीन प्ले के साथ चलते चले जाएंगे, और इस तरह से मेरा अभी भी कहना है कि इससे ऊपर आप सैम बहादुर प्रेफर कर सकते हैं, उसके बाद इसको देखने जा सकते हैं। सैम बहादुर का भी हम रिव्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, हमने वो उसके बारे में बात करेंगे, अभी वो देखी हमने, उसको भी बताएंगे आपको कैसी है, लेकिन उससे पहले सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि देखो दोस्त, पैसा आपका अपना है, देखो और भूल जाओ, ऐसी वाली मूवी है, मर्जी आप, लेकिन हाँ आगे के लिए, अगले पार्ट के लिए भी इंतजार जरूर करना ये ऐसा भी कुछ है। अब आप समझ जाओ।